लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश के सियासी उठापटक पर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। मिश्रा का कहना है कि कुहासे और धुंध के बादल छटते जा रहे हैं, शाम तक बहुत सारे बादल जा चुके होंगे और वह सभी बातों पर तैयार हो जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने भरोसा जताते हुए कहा कि राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष दोनों संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, दोनों सही निर्णय लेंगे, हमारे विधायक पास में ही हैं, एक घंटे के समय में आ जाएंगे, प्रतीक्षा करिए। सिंधिया जी बीजेपी के नेता हैं, उनके समर्थक उनके साथ हैं। मंत्री पीसी शर्मा के तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अच्छा रहा वे मंदिर में पूजा कराए, इसका असर उन्हें नहीं होगा, आना होगा, वो एक घंटे में ही भोपाल आ जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने विधायकों के इस्तीफे को लेकर कहा कि विधानसभा में अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। आए ना आए, ये मुझे नहीं मालूम वो क्यों नहीं आए, मुझे नहीं मालूम किसने बुलाया। मैं तो जो देखा सामने आया कागज उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि नोटिस में और पेशी में भी एक एक 24 घंटे का अंतर था। शायद 24 घंटे में कोई दूसरी कार्रवाई सामने आए, जो भी आए प्रतीक्षारत हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी आ रही है, खास तौर पे कांग्रेस कहीं चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में के कई निर्णय आ चुके हैं। अभी लेटेस्ट तो एक कुछ माह पहले, 3 माह पहले, 4 माह पहले कर्नाटक का आया है, उसके पहले अरुणाचल का आया है, एक और प्रदेश का आया है, अनेक निर्णय आए फिर चले जाएं। बहुमत तो खो चुकी है ना कांग्रेस, ऐसा मैं नहीं कह रहा। अभी तक आप कहते थे नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि बहुमत खो दिया है, ऐसा महामहिम ने उनको लिख के कहा है कि बहुमत खो दिया है, मेरे नाम से नहीं चलाइएगा। धीरे धीरे कुहासे के धुंध के बादल छटते जा रहे हैं। आप देखो शाम तक बहुत सारे बादल छट चुके होंगे और वो सभी बातों पर तैयार हो भी जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। इन कुहासे के बादलों के बारे में ज्यादा कहना अवमानना होती है, चूंकि दोनों संवैधानिक पद पे हैं, माननीय अध्यक्ष जी भी और महामहिम जी भी। दुष्यंत ने कहा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इसलिए संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्तियों को नमन, और मैं मानता हूं कि वो सही निर्णय दोनों व्यक्ति लेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।